20 जुलाई को पूरे प्रदेश में होने जा रहे वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत गोरखपुर नगर निगम द्वारा महानगर के अंदर 20,000 पौधों का वृक्षारोपण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस संबंध में नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया कि शासन के निर्देश पर 20 जुलाई को नगर निगम द्वारा एकला बंधे शहर के प्रमुख सड़कों के किनारे व नगर निगम द्वारा खाली कराई गई 80 एकड़ भूमि पर वृहद रूप से वृक्षारोपण किया जाएगा। साथ ही जो भी वृक्ष लगाए जाएंगे उसकी सुरक्षा का भी विशेष प्रबंध किया गया है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया, देखिए नगर निगम शासन के द्वारा वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम का निर्देश प्राप्त हुआ है। 20 जुलाई को पूरे प्रदेश स्तर में वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम भी है। नगर निगम के द्वारा भी लगभग 70,000 से अधिक वृक्षारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उसके अंतर्गत हमने अपर नगर आयुक्त शिवपूजन यादव जी के अध्यक्षता में कमेटी भी बनाई है। नगर निगम ने जो ज़मीनें मुक्त कराई हैं उन ज़मीनों पर भी हम वृहद वृक्षारोपण करा रहे हैं। जितनी ज़मीनें हैं उन सब पर वृक्षारोपण करा रहे हैं। साथ ही साथ 4 मियावाकी फॉरेस्ट की स्थापना भी की जा रही है। एकला बंदा जहां हमने लीगेसी साइट था उसको हटाया, वहां पर भी सघन वृक्षारोपण का कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। साथ ही साथ जो जितने भी डिवाइडर्स हैं उस पर भी हम सघन जो वृक्षारोपण है वो भी करा रहे हैं, हरियाली करा रहे हैं, क्योंकि बहुत अच्छा समय है और हम चाहते हैं कि सभी पूरे नगर निगम एरिया में अधिक से अधिक ग्रीन कवर को हम बढ़ाएं। इस वर्ष माननीय पार्षदों के साथ माननीय सदन की कार्यवाही में इस विषय पर चर्चा हुई और लगभग 20,000 से अधिक ट्री गार्डों के साथ ना केवल हम वृक्ष लगाएं बल्कि उसको सुरक्षित भी रखें, उसका सर्वाइवल भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। तो 20,000 ट्री गार्डों के साथ इस बार हम सघन वृक्षारोपण कर रहे हैं। साथ ही साथ नगर निगम के द्वारा लगभग जो 80 एकड़ की ज़मीन हमने मुक्त कराई है उन सभी ज़मीनों पर भी हम वृक्षारोपण कर रहे हैं ताकि ग्रीन कवर हम नगर निगम गोरखपुर में बढ़ा पाएँ।